और भाई क्या हाल चाल है आप सबका, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो है वो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक गिटार चाहिए और साथ में कुछ बढ़िया बढ़िया एक्सेसरीज भी चाहिए। और ये जो है लिटरली एक अफोर्डेबल गिटार है क्योंकि ये काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है। तो चलिए फटाफट अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कौन सा इलेक्ट्रिक गिटार है और क्या प्राइस है इसका। आगे जस्ट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो भाई यहाँ पे है मेरे पास ये बॉक्स और यहाँ पे भाई ये लोगो तो बड़ा ही जाना पहचाना लग रहा है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो करी थी स्ट्राइडम यूकेलेले की, तो ये बेसिकली स्ट्राइडम ब्रांड का इलेक्ट्रिक गिटार है। तो चलो ये फटाफट बॉक्स खोल लेते हैं और यहाँ पे ओहो क्या बात है भाई, एक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक गिटार एक बैग के अंदर और यहाँ पे कुछ चीज़ें और भी हैं। अच्छा भाई एक पाउच भी है जिसके अंदर मेरे को लग रहा है कुछ एक्सेसरीज होंगी, देखते हैं उसको। सबसे पहले गिटार को निकाल लेते हैं। तो भाई बैग तो बढ़िया लग रहा है देखने में, मतलब अच्छी पैडिंग है इसके अंदर। वाओ तो बड़ा यार अच्छा सा कलर लग रहा है देखने में, कौन सा ज़रा देखें। वाह भाई वाह, बड़ा ही डिफरेंट हेडस्टॉक डिज़ाइन है, मेपल फ्रेटबोर्ड है। अरे वाह भाई, तो भाई फिनिश तो बड़ी कमाल की लग रही है, लेक प्लेसिड ब्लू कलर है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। मेपल फ्रेटबोर्ड है और यहाँ पे आपको रोजवुड फ्रेटबोर्ड भी मिलेगा और कुछ कलर ऑप्शंस और भी मिलेंगे जिसके बारे में आगे बात करते वीडियो में। तो भाई ये स्ट्राइडम मैग्ना ST20 मॉडल है और इसके प्राइस के बारे में बात कर ले तो भाई ये गिटार आपको ये सारी एक्सेसरीज के साथ जो कि आगे मैं दिखाऊंगा आपको, ये आपको एक डिस्काउंटेड प्राइस पे देखने को मिल जाता है। अभी तो करेंटली ये जो है आपको 8900 रुपीस का मिलेगा और इस पे भी आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। तो दिस इज ऑल आई थिंक अ लॉन्च ऑफर बेसिकली, अभी जो है इसका प्राइस इतना है, मे बी आगे बढ़ सकता है, आई डोंट नो। लेकिन भाई 8900 रुपीस में भाई काफी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और एक और गुड न्यूज है कि ये सारे गिटार जो है procraftindia.com के अलावा आने वाले टाइम में इवन Amazon पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सारे बेस्ट बाय लिंक्स और डिस्काउंट कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है एक बेसवुड बॉडी देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको जो है बॉडी में तीन कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं स्ट्रैटवे डिजाइन में। तो यहाँ पे एक तो मेरे पास है ये लेक प्लेसिड ब्लू, इसके अलावा जो है आपको एक सनबस्ट कलर देखने को मिल जाता है और इसके अलावा जो है आपको एक ब्लैक कलर देखने को मिल जाता है। जो तीनों कलर ऑप्शंस है वो आपको ग्लॉस फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। इन गिटार्स की जो नेक है वो बनी है मेपल वुड की और यहाँ जो नेक प्रोफाइल है वो एक मॉडर्न सी शेप नेक प्रोफाइल है। तो इस तरीके की नेक प्रोफाइल मैंने अफोर्डेबल गिटार्स में अब तक नहीं देखी। यूजुअली क्या होता है कि आपको जो एक राउंडेड सी नेक देखने को मिलता है और इवन थोड़ा सा थिकर नेक देखने को मिलता है यहाँ पे, लेकिन इन गिटार्स में जो है जो प्रोफाइल है मेरे को बहुत ही कंफर्टेबल लगी और ये बड़ी कंसिस्टेंट है। मतलब यहाँ पे मेरे पास अभी तीन इलेक्ट्रिक गिटार्स हैं मैग्ना के और तीनों में जो है नेक प्रोफाइल बड़ी ही कंसिस्टेंट है। दिस नेक प्रोफाइल इज वन ऑफ माय फेवरेट फीचर्स बिकॉज यहाँ पे एक स्लिम नेक प्रोफाइल होना एक काफी की फैक्टर होता है, की फीचर हो जाता है। क्योंकि एज अ बिगनर अगर आप इलेक्ट्रिक गिटार शुरू कर रहे हैं प्ले करना तो यहाँ पे जो है आपको एक काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा प्ले करते टाइम, सीखते टाइम। और खाली बिगनर्स तक की बात नहीं है, अगर आप ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर है, आपको जो है इस गिटार को खरीदना है एज अ सेकेंडरी गिटार, तो यहाँ पे ये नेक प्रोफाइल जो है आपके लिए एक प्लस पॉइंट ही रहेगा और डेफिनेटली इस कम प्राइस पॉइंट में आपको जो है ये चीज काफी बढ़िया लगेगी। अब बात करें फ्रेटबोर्ड की तो यहाँ मैग्ना स्ट्रैटवे में आपको जो है दो ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, एक तो है मेपल फ्रेटबोर्ड और इसके अलावा है यहाँ पे ये रोजेकर फ्रेटबोर्ड। तो रोजेकर बेसिकली रोजवुड का एक ऑल्टरनेट टोन वुड है। तो यहाँ पे जो है आपको ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलते हैं। भाई कई लोगों को मेपल फ्रेटबोर्ड अच्छा लगता है, कई लोगों को जो है रोजवुड जैसा फ्रेटबोर्ड अच्छा लगता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 22 फ्रेट्स मिल जाते हैं, विच इज अगेन अ वेरी नाइस थिंग। 22 फ्रेट्स जो है वो बेसिकली एसेंशियल हो जाते हैं काफी सारे सोलोस प्ले करने के लिए, तो ये भी एक मेरे को काफी अच्छा फीचर लगा। यहाँ पे फ्रेटवर्क की बात करें तो ओवरऑल मेरे को काफी बढ़िया फ्रेटवर्क लगा इस इलेक्ट्रिक गिटार में। अब यहाँ पे फ्रेटबोर्ड के अलावा हेडस्टॉक डिजाइन की बात करें तो अगेन दिस इज वेरी यूनिक। अभी जो बॉडी का डिजाइन है वो तो यार एकदम स्ट्रैट जैसा ही है, यूजुअली जैसे एक स्ट्रैट शेप बॉडी होती है वही है, लेकिन जो हेडस्टॉक डिजाइन है वो मेरे को बड़ा ही कैची और काफी डिफरेंट लगा। मतलब काफी शार्प सी लुक है और जैसे एक नाइफ होता है ना उस तरीके की लुक है इसकी, तो मेरे को तो पर्सनली ये बहुत अच्छा लगा डिजाइन। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे जो है आपको स्टैंडर्ड डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज देखने को मिल जाती है इस गिटार में। और इसके अलावा यहाँ पे मैं बात करूँ स्टॉक स्ट्रिंग्स की तो यहाँ पे आपको जो है 942 गेज की स्ट्रिंग्स देखने को मिल जाती है। तो दीज आर डिसेंट स्ट्रिंग्स, आप जो है इनिशियली यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको भी ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि अफोर्डेबल गिटार्स में आप जो है स्ट्रिंग्स को चेंज करके ब्रांडेड स्ट्रिंग्स लगाइए, तो उससे आपको जो है काफी बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यहाँ पे बात करें ब्रिज की तो यहाँ पे आपको एक स्टैंडर्ड ट्रेमेलो ब्रिज देखने को मिल जाता है और यहाँ बैक कैविटी में जो है आपको तीन स्प्रिंग्स देखने को मिलेंगे हर गिटार में। तो ये एक मेरे को बहुत बढ़िया चीज लगी क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको अगर कुछ
थिक गेज की स्ट्रिंग्स भी लगानी है तो आप लगा सकते हैं। तो जैसे इस गिटार में मैंने 942 की जगह 1046 लगाई तो मुझे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ी। तो ये एक मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी कि एंट्री लेवल गिटार में इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। जो ट्रेमेलो ब्रिज है इस गिटार में वो मुझे थोड़ा सा स्टिफ लगा था राइट आउट ऑफ द बॉक्स तीनों गिटार्स में। तो यहाँ पे मैंने चेक किया था तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि जो स्प्रिंग्स है पीछे से वो टाइट हो रखे हैं और यहाँ जो ब्रिज है वो बॉडी पे ही रेस्ट कर रहा है। ये जो चीज़ है ये प्लस पॉइंट हो जाती है बिगनर्स के लिए, क्योंकि मैं हमेशा ही इंकरेज करता हूँ बिगनर्स के लिए कि भाई आप जो है ट्रेमेलो को कम यूज़ करिए और गिटार को एज अ फिक्स ब्रिज ही यूज़ करने की कोशिश करिए। उसमें क्या है कि आपकी चीज़ें सिंप्लीफाइड रहेंगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे सीखने में। तो यहाँ पे अगर आप बिगनर हैं तो आपको कोई भाई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए तो ये चीज़ बढ़िया ही है। लेकिन ऑलरेडी अगर आप एक इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर है, आपको ट्रेमेलो ब्रिज यूज़ करना है, तो या तो आप ऑर्डर करते टाइम प्रोक्राफ्ट इंडिया पे बोल सकते हैं कि भाई मेरे को जो ब्रिज है वो फ्लेक्सिबल चाहिए, तो वो उस हिसाब से सेटअप कर देंगे। वरना जो है आप खुद भी कर सकते हैं यहाँ पे सेटअप। तो जैसे इस वाले गिटार में भी जो था ब्रिज मैंने थोड़ा सा सेटअप किया था जस्ट टू चेक कि कितना भी फ्लेक्सिबल रहता है। तो यहाँ पे स्प्रिंग एडजस्टमेंट मैंने करी और ओवरऑल बढ़िया रहा। और अब बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो यहाँ पे आपको HSS पिकअप कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है, विच इज अगेन समथिंग दैट आई रियली प्रेफर अ लॉट। तो बिगनर्स के लिए जैसे कि मैं काफ़ी सारी वीडियोज में बोलते आया हूँ कि HSS जो है एक काफ़ी वर्सेटाइल ऑप्शन हो जाता है। इससे जो है बहुत सारे अलग अलग जॉनर सीख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको एक वॉल्यूम और दो टोन नॉब्स देखने को मिल जाती है और एक 5-way पिकअप सिलेक्टर देखने को मिल जाता है। तो प्रिटी मच आपको एक स्टैंडर्ड स्ट्रैट टाइप डिज़ाइन देखने को यहाँ मिल रहा है। थोड़ी सी यूनिक लुक है, यहाँ पे एक स्लिम प्रोफाइल नेक है। तो ये कुछ खास फीचर है जो कि आपको अफोर्डेबल प्राइस में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यार यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, ये तो चलो स्पेक्स हो गए, लेकिन यार स्पेक्स के अलावा भी जो फ्री एक्सेसरीज है दैट इज अगेन अ हाईलाइट ऑफ दिस गिटार। तो सबसे पहले भाई एक्सेसरीज में हम देख लेते हैं, सबसे एसेंशियल एक्सेसरी वो है एक पैडेड बैग। तो भाई यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बैग जो आपको मिल रहा है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो ओवरऑल अच्छी पैडिंग है यहाँ पे, आपको जो है यहाँ दो पॉकेट्स भी मिल जाती है, एक ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है, तो नोटबुक रख सकते हैं भाई, एक्सेसरीज यहाँ ऊपर रख सकते हैं। तो आपको ये बैग तो मिल ही रहा है विच इज़ वेरी नाइस, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ और भी एक्सेसरीज मिल रही हैं, तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो जो बाकी छोटी एक्सेसरीज है वो सारी इस पाउच में आती है। तो यहाँ पे भाई आपको एक केबल मिलती है, और ये जो केबल है दिस इज़ नॉट दैट टेस्टिंग केबल जो कि मैं दिखाता हूँ आपको कि भाई एंट्री लेवल गिटार्स के साथ मिलती है, दिस इज़ अ नाइस प्रीमियम केबल। तो अगर इस तरीके की अच्छी क्वालिटी की केबल आपको फ्री मिलती है तो आपको इनिशियली जो है केबल खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, तो भाई ये भी आपका खर्चा बच गया। और यहाँ पे आपको जो है एक क्लीनिंग क्लॉथ मिल जाता है, इसके अलावा आपको जो है दो एलन कीज मिल जाती है ट्रस्ट रॉड और ब्रिज एडजस्ट करने के लिए, यहाँ पे आपको कुछ पिक्स मिल जाती है, और इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे एक ट्यूनर मिल जाता है। इन सारी एक्सेसरीज के अलावा आपको जो है एक इवन स्ट्रिंग सेट भी फ्री मिलता है हर मैग्ना इलेक्ट्रिक गिटार के साथ। तो चलिए अब इन गिटार्स का साउंड चेक कर लेते हैं। Thank you.
तो भाई साउंड वाइज मेरे को ये इलेक्ट्रिक गिटार भी बहुत बढ़िया लगा। ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छा सेटअप होने की वजह से एक अच्छा प्लेबल एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। टोन वाइज यहाँ पे क्योंकि HSS पिकअप कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पे आपको जो है ओवरऑल एक अच्छी वर्सेटाइल टोन सुनने को मिल जाती है, अच्छी क्लीन्स भी आपको सुनने को मिल जाएंगे और इवन डिस्टॉर्शन में भी जो है एक अच्छा पंच आपको सुनने को मिल जाता है। तो यहाँ पे एंट्री लेवल सेगमेंट में मेरे को ये जो पिकअप्स है काफ़ी बढ़िया लगी, एक बिगनर के लिए सफिशिएंट है कि वो हर तरीके की चीज़ सीख सके। तो भाई मेरे हिसाब से ये गिटार जो है एक काफ़ी अच्छे प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुआ है और जो है इवन एक 15-16 हज़ार तक के गिटार के फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है 15-16 हज़ार आप इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बजट बहुत टाइट है आप जो है इस गिटार में इन्वेस्ट करिए और जो बाकी पैसा है उसको सेव करके एक अच्छे एम्प में इन्वेस्ट करिए तो वो ज़्यादा अच्छी ओवरऑल एक डील रहेगी आपके लिए और एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। और अगर आप एक एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक गिटार प्लेयर है और आप जो है एक गिटार एडिशनल लेने का सोच रहे हो अपने कलेक्शन में अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में, देन दिस इज़ रियली गुड। और जो है यहाँ पे भाई अगर आपको कुछ भी ट्वीक्स करने हैं, आपको पिकअप्स अपग्रेड करनी है या कुछ हार्डवेयर अपग्रेड करना है, देन अगेन ओवरऑल दिस गिटार इज़ अ ग्रेट मॉड प्रोजेक्ट। आप इसमें चीज़ें चेंज करके अपने हिसाब से बढ़िया बना सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स ये काफ़ी बढ़िया है और जो है चीज़ें ऐड करके चीज़ों को अपग्रेड करके आप इसको और ऑसम बना सकते हैं। बाकी आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा अगर आप इस इलेक्ट्रिक गिटार को लेते हैं। तो ये गिटार आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जिसकी लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय।